अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हैं। आज का जो व्लॉग है हमारा वॉलपेपर के हवाले से, इस कमरे में हम वॉलपेपर इंस्टॉल करेंगे। पूरे कमरे में वॉलपेपर इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसकी हम दीवार की चौड़ाई और कमरे की लंबाई पैमाइश कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसकी ऊंचाई पैमाइश करेंगे और उसके मुताबिक वॉलपेपर कट कर लेंगे। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि इस कमरे में हमारे कितने रोल लगे, लगाने का क्या तरीका था, बोर्ड वगैरह की कटिंग किस तरह की है और क्या ख़र्चा आया, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वॉलपेपर कटिंग के बाद अभी लगाना शुरू किया, दो पीस इसमें अभी पेस्ट करा है। असर का टाइम है, नमाज असर का तकरीबन 5 बजे के करीब का वक्त है। 4 से 5 घंटे से इंशाल्लाह इस कमरे में लगेंगे और कमरा हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। लगाने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा आपको साथ दिखाते रहेंगे। ये इसमें वॉलपेपर इंस्टॉल किया है, इसका करीब का लुक है, टेक्सचर डिज़ाइन है उसके ऊपर 3D में फूल वगैरह बने हुए, और इस डिज़ाइन के अंदर हमारे पास मज़ीद तकरीबन 5 कलर मौजूद हैं। अगर आप इसके मज़ीद कलर देखना चाहते हैं या इस तरह के खूबसूरत डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप इस कैटलॉग के मज़ीद डिज़ाइन देख सकते हैं। क्राउन कैटलॉग का डिज़ाइन है। इस पूरे कमरे में हम ये डिज़ाइन इंस्टॉल करेंगे। कमरे का साइज़ थोड़ा बड़ा है और ये डिज़ाइन भी इस किस्म का है कि हम अगर पूरे कमरे में एक ही डिज़ाइन चलाएँ तो बुरा नहीं लगेगा, इसलिए हम इस पूरे कमरे में एक ही पैटर्न यूज़ करेंगे। अमूमन ऐसा होता है कि अगर पूरे कमरे में लगा रहे हों तो जो बेड की वॉल है उस पर डिज़ाइन अलग होता है, बाकी जो 3 दीवारें होती हैं उस पर डिज़ाइन अलग होता है, या इस तरह किया जाता है कि आमने सामने की 2 दीवारें एक जैसी बनाई जाती हैं और आमने सामने के मतलब यानी कि टेक्सचर और डिज़ाइन मिला के लगाया जाता है। लेकिन इसमें डिज़ाइन इस किस्म का है कि हम ये पूरे कमरे में भी लगाएंगे तो इंशाल्लाह कमरा जो है वो निखर जाएगा, दबेगा नहीं। इसमें वॉलपेपर लगाने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहेंगे। वैसे तो इस पर मुकम्मल ब्लॉग हमारा मौजूद है, यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसमें मुकम्मल A to Z तरीका बताया गया कि किस तरह से आप लगा सकते हैं। इसमें भी इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी मालूम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। या एक कमरा बनाना चाहते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है, जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि एक कमरा हमने बनाना है कितना पेपर लगेगा। तो वॉलपेपर लगाने से पहले, सबसे पीस लगाने से पहले उस पर जर्मन ग्लू लाजमी लगाया जाता है। काफ़ी कारीगर ये नहीं लगाते हैं जिसकी वजह से पेपर 3 से 4 माह के बाद खुल जाता है। तो उसमें कस्टमर ये समझ रहा होता है कि पेपर की क्वालिटी इस तरह की, दोबारा वो पेपर लगाने से मतलब भागता है कि भाई पेपर ख़राब हो जाता है, दूसरों को भी यही बताते हैं कि पेपर खुल जाता है। उसमें सारी जो मिस्टेक होती है वो कारीगर की होती है कि जब वो लगा रहा होता है उसमें गिलू अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं करता, और दूसरा उसके जॉइंट के ऊपर गिलू नहीं लगाता। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कारीगर हैं उन सबको हमने यही ट्रेन किया हुआ है कि जब भी पेपर लगाएं उसके कॉर्नर के ऊपर गिलू अलग से लाजमी लगाएं। तो इस वीडियो में भी पहले आपने देखा ये पीस लगाने से पहले कारीगर ने उस पीस को थोड़ा सा खोला, उसके अंदर जर्मन वाइट गिलू ऐड किया और फिर उसको दोबारा पेस्ट कर दिया। तकरीबन हमारी 3 दीवारें लग चुकी हैं, लुक आपके सामने है। पहले भी आपने देखा है पहले कैसे लग रहा था और अब लगने के बाद इसका लुक कैसा आ रहा है, लाइट गोल्डन कलर में। तो कमरा जो है मज़ीद निखर चुका है। एक ही हिस्सा थोड़ा सा बाकी है खिड़की के साथ, ये कहीं से कट पीस निकलेगा तो यहाँ पे वो लग जाएगा। बाकी 3 दीवारें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं, 4थी दीवार भी तकरीबन आधी हो चुकी है, थोड़ा सा इसका हिस्सा बाकी है, ये हिस्सा सिर्फ रह गया। और अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम है, तकरीबन समझे कि 4, 4.5 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं लगाते हुए। अभी मज़ीद तकरीबन आधा घंटा लगेगा और ये कमरा रेडी हो जाएगा। यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा लगे क्योंकि कटिंग बहुत ज़्यादा थी, दरवाज़े भी इसमें 2 थे, 3 दरवाजे थे, 2-3 खिड़कियाँ थी, तो इस वजह से टाइम इसमें ज़्यादा लगे। वरना अगर दरवाजे एक या दरवाज़ा हो, 2 दरवाजे हों, तो तकरीबन 4 घंटे के अंदर मुकम्मल कमरा तैयार हो जाता है। अब जैसे बिजली का बोर्ड आ गया तो इसके ऊपर भी गिलू लगाएंगे ताकि जब वो कटिंग होकर पेपर उसके साथ चिपक जाए तो वो दोबारा खुले नहीं। अगर गिलू नहीं लगा होगा तो कुछ दिन के बाद वहाँ से खुलना शुरू हो जाएगा। डिज़ाइन मिलाने का तरीका मुकम्मल ब्लॉग मौजूद है, जब आप पेपर लगाने कटिंग कर रहे हो उस टाइम डिज़ाइन मिलाया जाता है। अब सिर्फ दीवार पे गिलू लगा हुआ है, सॉरी पेपर के ऊपर, अब सिर्फ पेपर और डिज़ाइन जो है वो एक साथ मिला के उसको सिर्फ कॉर्नर बिठा रहे हैं, जोड़ बैठ गया। हल्की सी लकीर नुमाया आपको नज़र आ रही होगी, ये इंशाल्लाह 3 से 4 घंटे के बाद जब इसका गिलू खुश्क हो जाएगा तो वो लकीर भी नज़र नहीं आती, गायब हो जाती है। तो ये इसका पेपर लगाने का तरीका है। अब ऊपर को जो इजाफी फोल्ड हुआ हुआ है वो जब पेपर, ये पेपर और इसके साथ जो दूसरा पीस है वो लग जाएगा तो उन दोनों को एक साथ कारीगर काट देगा। ये इजाफी इसलिए रखते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि गुनिए का फ़र्क आ जाता है। मिसाल एक कोने पे जो हमारी दीवार है वो 110 इंच की है और दूसरे कोने पे जाके दीवार हमारी 112 इंच पे 111 इंच पे चली गए, तो ये इसलिए इजाफी बढ़ा के रखते हैं कि वहाँ पेपर कम ना पड़े, मतलब वो इजाफी एक्स्ट्रा ऊपर होता है तो उसको कवर अप कर लेते हैं।
अच्छा, दूसरी चीज़ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है कि दरवाजे का जो साइज़ है, खिड़की का जो दरवाजे बीच में आ जाते हैं साइज करते हुए, उसमें अक्सर लोग जो है उसको साइज़ को माइनस कर देते हैं जिसमें दरवाज़ा आ रहा है। अब देखिए ये पेपर इतना तकरीबन 8 से 9 इंच का पेपर ज़ाया हो चुका है। अब ये कट हुआ है, ये कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, ये कचरा हो जाएगा। अब जब आप आगे चलेंगे अपने, अगर आपने दरवाजे का साइज़ माइनस किया हुआ तो पेपर कम पड़ जाएगा। अब नीचे जैसा जो फोल्ड किया हुआ था उसको भी इसी तरीके से खोलेंगे, बोर्ड के ऊपर कटिंग है, साथ में ये कटिंग करके फिर इस हिस्से को प्रेस कर देंगे। बोर्ड की कटिंग भी देख लें, बहुत आसान है, चारों कोनों से इस पर ब्लेड चलाना होता है, ब्लेड बहुत हल्के से चलाना होता है कि ताकि बोर्ड के ऊपर निशान ना आ जाए ब्लेड का। अभी स्क्रैपर से इसको स्क्रैप करेगा, पहले जॉइंट बिठाएगा हम दोनों का, उसके बाद एयर निकाल के इसकी साइड की कटिंग करेगा। यहाँ पे दो बोर्ड हैं तो दोनों बोर्डों पे बिल्कुल सेम यही तरीका इस्तेमाल होगा। इसे आप अगर कारीगर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर शहर में जा रहा होता है माल, कारीगर तकरीबन हर शहर में अच्छे कारीगर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप इस प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो 8 से 10 हज़ार रुपये आप वॉल पेपर सिर्फ लगा के कमा सकते हैं। मतलब एक होता है सेल करना और एक होता है पेस्ट करना, तो जो उसे पेस्टिंग है इसमें आप 8-10 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं डेली के। ये वॉलपेपर मुकम्मल इंस्टॉल हो चुका है, अब सिर्फ कटिंग बाकी है जो बोर्ड के ऊपर कट करके छोड़ दिया था, चारों को तरफ से इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग में फिनिशिंग लाने के लिए ये कि आप मुसलसल कटिंग करते रहें तो आपके हाथ में फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह से समझेंगे पूरा कमरा तकरीबन हमारा मुकम्मल हो चुका है। आखिरी के कुती 3 से 4 पीस रहते हैं सिर्फ, ऊपर की तरफ दरवाजे के और नीचे की तरफ, तो वो भी मुकम्मल होने के बाद फिर आपको उसका पूरा एक लुक दिखाएंगे कि पहले भी आपने देख लिया लगाने से पहले कैसा लग रहा था और लगाने के बाद फिर इसका लुक कैसा हो जाएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको पूरा कवर करके दिखाएंगे। इस कमरे में हमारे तकरीबन 11 रोल लगे हैं और इस वक्त जो एक रोल है वो 3200 रुपये का, 3200 रुपये का एक रोल है और टोटल इस कमरे में 11 रोल लगे हैं, तकरीबन समझें कि 35,000 कुछ कैश पे खर्चा है। अब ये सबसे आखिरी पीस लगा रहे हैं इस कमरे में, वॉलपेपर मुकम्मल इंस्टॉल हो चुका है, सबसे आखिरी पीस है ये। इसके बाद मतलब और किसी भी जगह पे कोई फिनिशिंग वगैरह बाकी नहीं है, मुकम्मल फिनिशिंग करते हुए आए हैं, ये आखिरी पीस लग रहा है। इसमें सिर्फ अगर आप एक दीवार लगाना चाहें तो उस पर आपके अगर 10x10 से बड़ी दीवार है 3 रोल लगेंगे, 10x15 तक, 10x12, 10x13, 10x14, 10x15 तक आपके 3 रोल लगेंगे, तकरीबन समझिए कि 9,600 रुपये का खर्चा आएगा 3200 के हिसाब से। और हमारे पास जो वॉलपेपर के रेट हैं मुख्तलिफ हैं, 1200 से रोल शुरू होते हैं और तकरीबन 8,000 रुपये तक रोल है कैटलॉग के हिसाब से। अब ये जो कैटलॉग है क्राउन, इसका एक रोल 3200 रुपये के आज की डेट में, लेकिन अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है एक रेट अपडेट हुआ हो, तो इसलिए जो मौजूदा रेट है वो आप व्हाट्सएप पर मालूम कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वॉलपेपर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल इंस्टॉल हो चुके, लुक आपके सामने, पहले भी आपने देख लिया था कि लगाने से पहले इसका लुक कैसा था, बिल्कुल सादा, और अभी 5 या 6 घंटे के बाद अभी आपके सामने लुक है कि अभी एकदम बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में वीडियो के मुताबिक लाजमी बताएं, पाकिस्तान के किसी भी शहर में आप मंगवा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।